लेजेंड भाई, प्रियम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा अजय भाई कि फेस रिवील कब होगा। टोटल गेमिंग एके अजवाई 94, जिसके पास ओवर 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर का फैन बेस है एंड हु होल्ड द टाइटल ऑफ नंबर वन गेमिंग क्रिएटर ऑफ इंडिया एंड जो कि बहुत सारे टीवी एक्टर लाइक सलमान खान, शाहरुख खान से भी फेमस है। इज़न्ट दैट क्रेजी, 1.8 करोड़ पीपल आर फॉलोइंग टोटल गेमिंग। इतने ज्यादा सपोर्टर, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग, इतना ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आज तक हमारे टोटल गेमिंग यानी कि हमारे अज्जू भाई ने खुद से अपना फेस रिवील नहीं किया, ऐसा क्यों? एंड मैंने इस बारे में क्यों टोटल गेमिंग फेस रिवील इज लाइक ऐसे मैंने क्यों लिखा है एंड ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको इस बारे में विद प्रूफ एंड विद फैक्ट्स के साथ जवाब दूंगा, ठीक है? सो यार, इस बारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात करने वाले टोटल गेमिंग फेस रिवील डेट, ठीक है? मैं आपको अभी बताऊंगा विद फैक्ट एंड विद प्रूफ की टोटल गेमिंग कब करेंगे फेस रिवील। आपको लगता होगा कि टोटल गेमिंग 2023 या फिर 2025 में करेंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है? टोटल गेमिंग आज तक जो भी अपना फेस रिवील का डेट बताए वो सारे के सारे फेक है, तो इसलिए मैंने इस वाले वीडियो के टाइटल में भी वही लिखा है, टोटल गेमिंग फेस रिवील इज लाइ। तो सबसे पहले आप टोटल गेमिंग का कुछ क्लिप देख लो जिसमें टोटल गेमिंग खुद बताया कि वो फेस रिवील कब करेंगे। द लेजेंड भाई, प्रियम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है अजय भाई कि फेस रिवील कब होगा। ओ भाई साहब, ये बहुत डेंजर सवाल है। वैसे मैंने ही चूज़ किया और आपको भेजा है, बट मैं बता दूं मैं फेस रिवील गाइस करने वाला हूँ 2023 के बाद। 2023 या 2025 में मेरा फेस रिवील होगा, तब तक मैंने सोचा भी नहीं कि मैं फेस रिवील करूँगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि 2023 या 2025 में फेस रिवील होगा। तो जो लोग अपने दिमाग से सोच रहे हो कि यार 10 मिलियन पे अजू भाई करेंगे या 11 मिलियन पे करेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस कि मैं 10 या 11 मिलियन पे वो करूँगा फेस रिवील, तो ये कोई सीन नहीं है। तो आप लोग यार वेट करो, 2023 या 2025 तक फेस रिवील मेरा आ जाएगा। तो गाइस, आपने सुन लिया होगा कि अज्जू भाई के इस वाले क्यों आने वाले वीडियो पे अज्जू भाई ने खुद ही बताया कि वो 2023 या फिर 2025 में अपना फेस रिवील करेंगे। बट गाइस, अज्जू भाई ने इस वाले वीडियो में सरासर झूठ बोला है, सरासर लाई बोला है, बिकॉज अज्जू भाई नहीं करेंगे 2023 या फिर 2025 में अपना फेस रिवील। एंड ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है? आप ऐसे मुझे देखो जरूर पूछोगे। तो गाइस, मैं अभी आपको एक अज्जू भाई का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है? वो लाइव स्ट्रीम का क्लिप है, तो वो क्लिप पे अज्जू भाई साफ साफ बता रहे हैं कि वो 2023 या फिर 2025 में अपना फेस रिवील नहीं करेंगे। सो मैंने इसीलिए ये वाले वीडियो में अज्जू भाई फेस रिवील इज लाइव लिखा था। अपन प्लान बनाते किसी दिन अहमदाबाद। सर जी, मैंने फेस रिवील नहीं किया, वरना तो बना। नहीं, अपन थोड़ी फेस रिवील करेंगे पब्लिक को। अरे नहीं सर जी, फिर भी अरे किसी को नहीं बताया। ओके, अच्छा, तो अलग है बात है, तो ठीक है, पूरी अलग बात है सर जी यार। हाँ, तो सही है भाई, सही है। फेस रिवील करेंगे ना फिर तो यार सर जी मिलते रहेंगे अहमदाबाद में, क्या यार? नहीं, मेरे को लगा कि क्या बोलते हैं, पब्लिक को नहीं किया, मतलब अपने अपने दोस्तों में तो शायद पता ही होगा ऐसा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं पता। 20 मिलियन पे करो। नहीं, अभी कोई प्लान ही नहीं है, मैंने अभी के लिए तो बोल दिया है 2023 और 2025 तक बोल के। अब तब जब 2023 या 2025 आएगा तब 2027 2028 कर लूंगा। I need consumables. उसके पहले फोटो लीक, उसके पहले कई फेक फोटो लीक हो जाएगी। भाई बहुत सारे हो चुके हैं भाई, बहुत सारे। वही ना। तो गाइस, आपने क्लियरली सुन लिया होगा कि अज्जू भाई नहीं करेंगे फेस रिवील 2023 या फिर 2025 में, बिकॉज उन्होंने इस वाले वीडियो में क्लियरली कहा है कि वो फेस रिवील करेंगे, मतलब 2025 के बाद वो वापस से अपना फेस रिवील का डेट बढ़ा देंगे। तो इससे ये साबित होता है गाइस कि मेरा जो वीडियो में टाइटल में था, जो थंबनेल था, मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि अज्जू भाई फेस रिवील इज लाइव। बट मैं आपको ये वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अज्जू भाई क्यों नहीं करेंगे अपना फेस रिवील, तो उसके लिए वीडियो में बने रहना। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल गेमिंग आपने मतलब आपने फेस रिवील क्यों नहीं करते गेमिंग चैनल पे, अपने चैनल पे। तो उसका दो तीन रीजन है गाइस। तो सबसे पहला रीजन है गाइस कि उनको फेस रिवील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका एक गेमिंग चैनल है एंड उनका फेस से गेमिंग को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, इससे मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट सेकेंड पॉइंट ऐसा है कि गाइस, मतलब देखो, अज्जू भाई के पास से
20 मतलब नियर अबाउट 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है। सो अगर वो फेस्टिवल करेंगे तो बहुत सारे पीपल मतलब बहुत सारे बंदे लोग आ जाएंगे अज्जू भाई के घर पे, अज्जू भाई को मतलब ऐसे फैन मीटअप आ जाएंगे। एंड आपने बहुत सारे फ्री फायर में लाइक गैन गेमिंग टू साइड गेमर्स बहुत सारे यूट्यूबर के मतलब ऐसा प्रॉब्लम देखा होगा कि फैन जो उनके सब्सक्राइबर है ना वो उनके घर पे आते हैं एंड उसके वजह से उनका जो प्राइवेसी है ना वो टूट जाता है, एंड ऐसा चीज़ अज्जू भाई नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अज्जू भाई ने आज तक अपने चैनल पे अपना फेस रिवील नहीं किया है। तो गाइस शर्ट भी बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 पॉइंट यानी कि मतलब नंबर 3 में अज्जू भाई ऐसा मतलब अपने चैनल पे फेस रिवील क्यों नहीं करते। तो नंबर 3 में गाइस साइनेज, जी हाँ गाइस आपने सही सुना, मतलब जैसा हम वीडियो में देखते हैं अज्जू भाई का वॉइस और अज्जू भाई का बिहेवियर उससे हमको ये पता चलता है कि अज्जू भाई बहुत ज़्यादा शर्मीले किस्म का आदमी है। तो लाइक अपने मालूम होगा आपको एक्स मेनिया जो कि सबसे पहले जो फेस रिवील किया था ना उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे, तो वो कितना ज़्यादा साय कितना ज़्यादा शर्म आ गया था, एंड ऐसा ही चीज़ अज्जू भाई नहीं चाहते होंगे। सो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अज्जू भाई ने आज तक अपने फ्रेंड मतलब आज तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया। बट गाइस मेरे पास एक और थ्योरी है जिसकी वजह से अज्जू भाई ने अपना फेस रिवील नहीं किया। तो आपको मालूम हुआ अज्जू भाई के पास नियर अबाउट 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो भी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। 20 मिलियन उनका कोई बड़ी बात नहीं है। तो अज्जू भाई जो आज तक जो सस्पेंस क्रिएट किया है ना, मतलब अगर वो फेस रिवील कर देंगे इतने कमी सब्सक्राइबर मतलब अज्जू भाई के हिसाब से कमी सब्सक्राइबर है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे, बट अभी अगर वो अभी मतलब अपना चैनल पे फेस रिवील कर दिए तो उसके बाद उनका जो अभी सस्पेंस बना रहे हैं ना अज्जू भाई वो सस्पेंस टूट जाएगा, एंड मे बी उस वाले वीडियो में 20-30 मिलियन व्यू तो आ जाएंगे बट उतना नहीं आएंगे जो कि अभी फ्यूचर में मतलब 1-2 साल में जितना सब्सक्राइबर गेन होगा उसके बाद जितना व्यू आएंगे वो अभी तो नहीं आएगा। सो मे बी एक ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अज्जू भाई ने आज तक अपने चैनल पर फेस रिवील नहीं किया। तो गाइस आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ, बिकॉज मेरे को जानना है कि मतलब आप क्या सोचते हो मतलब अज्जू भाई कब करेंगे फेस रिवील, एंड तब तक उनके मतलब जब फेस रिवील करेंगे उसके मतलब उस समय तक अज्जू भाई के पास कितना सब्सक्राइबर होगा, मे बी 100 मिलियन आई डोंट नो कितना होगा उस सारे, प्लीज़ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना गाइस। एंड यस मैं आपसे मिलूंगा एक और ऑसम गन साथ एक और न्यू ब्रेक साथ, चिदन जी के बाय बाय सी यू पीस। आप भी नेपाली में बोलो ना। हां बोल चल हां सीखा 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 चल ऐसा बोलो जो पनी जो पनी हेडे हुनुहुन्छ हेडे हुनुहुन्छ लाइक गर्नु लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नु अनि शेयर पनि अनि शेयर पनि गर्दिनु गर्दिनु ओके। हमारी ये जो नेपाली लैंग्वेज बोलने की स्टाइल है पसंद आई होगी। क्या बोलो म बोलो म तपाई हेलाई तपाई हेलाई माया माया गर्छु गर्छु मतलब मतलब मैं सबसे प्यार करता हूँ सबसे। ओ भाई थैंक यू बीरज यार बहुत ओपी बात सिखाई।